अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी रेसिपी बहुत अहम है। आज हम आपको मसालेदार ज़बरदस्त किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल की मछली बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें 2 kg फ़िश चाहिए होगी और इसको मछली को पहले आपने अच्छे से नमक लगा के 5 से 6 घंटे रख देना है और उसके बाद आपने इसको धोना है और धोने के बाद आपने सिरका जो है वो पानी में थोड़ा सा डाल के उसमें इसको डिप करके निकाल लेना है, तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इसके लिए हमें एक बॉल चाहिए होगा। 2 चम्मच हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम जो है अजवाइन डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर डाल देंगे। रेड चिली पाउडर ये मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है 1.5 रेड चिली पाउडर डाला है और ये थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे और अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 2 kg फ़िश के लिए तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसी को फॉलो करें। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि काफ़ी घंटों के लिए रखा था हमने मछली को नमक लगा के, तो इसलिए हमने नमक बहुत थोड़ा सा डाला, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये लेमन जूस है जो कि 5 चम्मच है, ये 5 टेबल स्पून है इस तरह के। ये हम लेमन जूस इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन ये चूँकि काफ़ी थिक है तो हमें इसको थोड़ा सा बैटर के अकॉर्डिंग करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते जाएं और जितनी एक बैटर के अकॉर्डिंग उसकी स्टिक करने के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है उतना हम कर लेंगे। इसमें पानी हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। ये देख लें अभी कितना थिक है, इतना थिक इनफ रहेगा, फिर ये स्टिक कर जाएगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये फ्लॉट कर जाएगा। अब हम अपने फिश को मसाला लगाते जाएंगे। ये बहुत टेस्टी मसाला बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या बाहर कहीं पे भी ट्राई करते हैं, ये बिल्कुल वो रेसिपी है। किसी किस्म की इसमें स्मेल नहीं आती। देखिए इसको अच्छी तरह से लगाएंगे हम। फ्रंट पे भी और बैक पे भी इसको लगा के आप 2 से 3 घंटे मैरिनेट होने दें और उसके बाद इसको फ्राई करें, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बट मैं इस वक्त इसको अभी बनाऊंगी, मैं इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं रखूंगी, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट कम मैरिनेशन के साथ भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और देखिए ऑयल मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बहुत नॉर्मल सा डाला क्योंकि मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी और ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप कितना डालना चाहते हैं। इसके साथ हमने जो पीसेस को अभी लगाया था मैंने इसको कोई बैटर ऐसा नहीं लगाया, ये अपने ये बैटर इसके साथ स्टिक कर जाएगा। और ये देखें इसको हम बहुत ही हल्के से फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। ये बहुत ही मैंने नॉर्मल से लो फ्लेम के ऊपर जो है इसको मैंने रखा हुआ है और ये जब एक तरफ से थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी देन हम इसको टर्न करेंगे। तो अब हम नाज़रीन इसको टर्न करेंगे। ये देखिए इस कदर इसका खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। और इसके साथ दिखाने वाली चीज़ आपको थी वो ये कि ये मसाला भी देखें इसके साथ स्टिक है। अब हम इसको यहाँ से भी पकने देंगे। नाज़रीन अब हम इसको टर्न करके देखते हैं दूसरी साइड से भी। और ये देखें ये हमारी फिश बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी कुक हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो नाज़रीन ये हमारी बेहतरीन सी फ़िश तैयार है, बहुत ही टेस्टी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।